137, इसका आंसर बताएं। 137, बाकी तो इजी आप लोग कर लेंगे नीचे। At what point should sales tax on credit sales be recorded? Supplier कब रिकॉर्ड करेगा, बायर कब रिकॉर्ड करेगा? ए, बाकी जी 137। आंसर रहेगा ना, जब सप्लायर इनवॉइस इश्यू करेगा तो इनवॉइस को देख के रिकॉर्ड कर लेगा, और जब बायर इनवॉइस कस्टमर इनवॉइस रिसीव करेगा तो इनवॉइस को देख के वो रिकॉर्ड करेगा। ये सेल परचेस हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इनवॉइस देखकर। जब सेल परचेस रिकॉर्ड होंगे तो उसके साथ टैक्स भी रिकॉर्ड हो जाता है। ए आंसर होगा जी, ए आंसर। क्यों होगा डी? नहीं, सेल्स कब रिकॉर्ड करते हैं? सेल करते हैं या पेमेंट होती है? परचेस कब रिकॉर्ड करते हैं? जब परचेस करते हैं। पेमेंट के तो बाद में अलग एंट्री बनती है ना, पेमेंट की एंट्री तो बाद में अलग होती है। तो 138, 138 सॉरी, बाकी बताएं। When must a business charge sales tax on its sales? सी हाँ, सी आंसर होगा। देखिए, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, जब तक वो सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक टैक्स चार्ज नहीं हो सकता। तो सेल्स टैक्स चार्ज करने के लिए बिजनेस का सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। सी आंसर होगा। अच्छा, ये भी बैटर्स हम ये बाद में पढ़ेंगे। अच्छा ये बता, 140, 140 टेबुक्स का क्वेश्चन है। क्रेडिट नोट्स कब इश्यू होता है? सेल्स रिटर्न के टाइम पे ना, तो पहले का रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न डे बुक पर आता है। तो ये इसमें लिखा होता है ना, एज रिसीवेबल एनालिसिस भी हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो इसमें एज रिसीवेबल एनालिसिस ये पढ़ेंगे बाद में, ये क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करेंगे। ये भी शो रहे कंप्यूटर का एज सिस्टम को भी जान गए, रिकवरेबल डेट्स हम बाद में करेंगे। ये भी आसान है, रिसीवेबल आपके ग्रॉस से रिकॉर्ड होते हैं। ये 147 हमने कर लिया है, 147 कर लिया था, ये तो हो गया है ना, ये हमने कर लिया सॉल्व। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, डिस्काउंट वाले। अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। तो 150 का आंसर बताएं, यहाँ आ गया जाए, इधर 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 150, अच्छा 150 का आंसर, 150, 150 जी। रिसीवेबल
ग्रॉस से रिकॉर्ड होता है नेट से, रिसीवेबल ग्रॉस से रिकॉर्ड होंगे नेट से, ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड होते हैं ना। रिसीवेबल पेबल में हमेशा ग्रॉस आता है। तो ये 423 एक्सक्लूडिंग है, नेट अमाउंट है, इसमें टैक्स ऐड करना होगा। टैक्स ऐड करें तो बताएं ग्रॉस अमाउंट कितना बन रहा है, उसी आंसर हो जाएगा डेबिट 507। इसके बाद ये बता दें 151 आसान है। सेल्स, कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में, तो उसका टैक्स भी वही रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। कैश सेल्स है तो रिसिप्ट होगी ना, सेल करेंगे तो कैश रिसीव होगा, तो रिसिप्ट पे आ जाएगा ना। सी आंसर। अच्छा 152 सॉल्व करें। इसमें बताया तो व्हाट वाज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ इनवॉइस, ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट कर। अब इसमें क्या, पहले तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा 14.4%। अच्छा जो लिखते हैं 14,500 उसका ट्रेड डिस्काउंट कितना आ रहा है कैलकुलेट करें। 4% ट्रेड डिस्काउंट कितना 580, माइनस करें 13,920। ठीक है। अच्छा अब जो सेटलमेंट डिस्काउंट है वो माइनस करें, यह गया 4%। अब सेटलमेंट डिस्काउंट कितना है, अब इसका 5% कितना आ रहा है 696, माइनस करें, माइनस करके कितना 13,000। ठीक है। अब इसमें सेल्स टैक्स ऐड हो जाएगा ना, सेल्स टैक्स को तो नहीं पूछ रहा है। सही है। देखिए तो मैंने डिस्काउंट का ट्रीटमेंट बताया था ना कि एक्सपेक्टेड है तो क्या करना है, नॉट एक्सपेक्टेड तो क्या करते हैं ना। अगर एक्सपेक्टेड है तो माइनस करेंगे और एक्सपेक्टेड नहीं है तो माइनस नहीं करते। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है, कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप ऑफर ऑफ अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट माइनस होगा और अब माइनस होने के बाद क्या बच रहा है 13,224। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 13,224, ऑप्शन डी होगा। एक्सपेक्टेड है तो हम फॉरन माइनस कर देते हैं डिस्काउंट। आंसर होगा इसका डी। क्लियर? क्यों होगा तो मतलब इसमें कैसे पता लगेगा ये डिस्काउंट दे क्या ग्रॉस आएगा ना, वही ग्रॉस डिस्काउंट के बाद वाला। वैल्यू है 14,500 तो कुछ नहीं, तो ये नेट लिस्ट प्राइस ऊपर लिखा हुआ लिस्ट। ठीक, इसमें वो चक्कर नहीं है, सेल्स टैक्स सही नहीं ना इसके अंदर। अच्छा अब आ जाए परचेज एंड परचेज रिटर्न। अच्छा ये तो आप लोग कर लेंगे, इजी है। 154 का आंसर बताएं। पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक, तो परचेजेस डेबिट होंगी और अकाउंट्स पेबल राइट हो जाएगा परचेज।
ए आंसर ठीक है। तो 155, 155। जी सी आ रहे 940। चलिए बाकी बताएं। इसमें नेट अमाउंट दिया हुआ 800, सेल्स टैक्स 17.5% है, पेबल लेजर का पूछ रहा है, तो पेबल में एंट्री ग्रॉस से बनती है नेट से? पेबल ग्रॉस से रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें आपको टैक्स ऐड करना होगा पहले 800, उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे 17.5% कितना है 140, तो ग्रॉस बन जाएगा 940, तो 940 से पेबल्स डेबिट हो जाएंगे, तो आंसर होगा सी 940। तो 156, व्हाट डू डू दैट डेबिट टू परचेजेस? अच्छा परचेज हम नेट से रिकॉर्ड करते हैं ना, तो नेट वैल्यू कितनी है 700, तो यही आंसर होगा बी 700। परचेजेस नेट अमाउंट से रिकॉर्ड होती है ना, सेल परचेज नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं, रिसीवेबल पेबल ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड होते हैं, तो नेट वैल्यू कितनी है 700 और परचेजेस की बात कर रहे हैं ना वो, तो बी आंसर होगा 700। क्लियर? सेल्स परचेज नेट से रिकॉर्ड होंगी, रिसीवेबल पेबल ग्रॉस से रिकॉर्ड होते हैं ना, तो 157। पेबल का बैलेंस आ रहा है ना, पेबल का बैलेंस है तो आपने पे करने हैं, सी आंसर होगा इट ओज टू इट सप्लायर ना, ठीक सी आंसर ठीक। अच्छा 158, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, रीड कर लें, समझाता हूँ आपको। अच्छा क्या लिखा है, ट्रेडर हु इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स पर्पस बाय गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा जो ट्रेडर यहाँ कौन है, कस्टमर की बात हो रही है ना, जो कस्टमर है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा दीज गुड्स हैव लेस प्राइस 2000, ट्रेड डिस्काउंट 20% और सेल्स टैक्स 17.5% है, ठीक। अच्छा टैक्स चार्ज होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कौन रजिस्टर्ड नहीं है? कस्टमर नहीं है ना, कस्टमर से क्या फर्क पड़ता है, सप्लायर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। कस्टमर कौन होता है? जो खरीदता है, तो कस्टमर रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सप्लायर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ भी ना सब्जेक्ट टू सेल्स है, तो टैक्स तो चार्ज होगा। अब बायर क्या एंट्रीज बनाएगा वो बतानी है आपने। अच्छा मैं उसको समझा देता हूँ थोड़ा डिटेल में आपको, कि बायर रजिस्टर्ड होगा तो कैंट्री बनाएगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कैंट्रीज बनाएगा। यहां मैंने इसे बन लिखा हुआ है एक एग्जांपल, इसी को समझा देता हूँ। अच्छा वैल्यूज चेंज कर देते हैं, वही क्वेश्चन वाली वैल्यूज लिख लेते हैं। क्वेश्चन वाली वैल्यूज यहाँ पे यूज कर लेते हैं, लिस्ट प्राइस कितनी है 2000, उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 20%, तो ये माइनस हो जाएगा, लाइन इंसर्ट कर दूंगा।
पहले डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद तब ये ट्रेड डिस्काउंट है, कितना है 20%, तो 20% कितना बन रहा है, 400 माइनस करते हैं सिक्सटीन हंड्रेड तो आ जाएगा 1600। मतलब 1600 टैक्स चार्ज होगा, कितना तो सेल्स टैक्स का रेट कितना है, 17.5% है ना, कितना बन रहा है 280, तो ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा 1880। ठीक है। अच्छा पहले हम जरा सप्लायर सेलर की एंट्री बना रहे हैं, सप्लायर की एंट्री बनाएगा। अब सप्लायर जो है गुड सेल कर रहा है तो वो एंट्री क्या बनाएगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, रिसीवेबल डेबिट करेंगे ग्रॉस अमाउंट से, सेल्स क्रेडिट होंगी नेट अमाउंट से और टैक्स क्रेडिट हो जाएगा टैक्स के अमाउंट से। ठीक है, ये तो बात हो गई सप्लायर की। अच्छा बायर की एंट्रीज बनाते हैं। अच्छा बायर पे जो डिपेंड करता है क्या रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो उस हिसाब से एंट्रीज चेंज हो जाएंगे। ठीक, पहले हम तो पूछ कर लेते हैं कि बायर रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स, रजिस्टर्ड है तो अब क्या एंट्री बनाएगा बायर, परचेजेस डेबिट, सेल्स टैक्स डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा। ठीक, परचेजेस डेबिट करेंगे नेट अमाउंट से, सेल्स टैक्स से डेबिट होगा और अकाउंट्स पेबल क्रॉस अमाउंट से डेबिट हो जाएंगे ना, पेबल में ग्रॉस आ जाएगा। अच्छा आप सेकंड कहते क्या, नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स, बायर नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स, तो बायर की एंट्री बनाएगा परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा ग्रॉस अमाउंट से। ठीक है, वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सेल्स टैक्स अलग से रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो उसकी परचेज का ही पार्ट बन जाएगा, उसकी कॉस्ट का ही पार्ट बन जाएगा। तो बायर रजिस्टर्ड होगा तो टैक्स अलग से रिकॉर्ड करेगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो वो परचेज में ही ऐड कर लेगा, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अब ये कॉपी कर ले पहले एग्जांपल, और याद रखिएगा बायर रजिस्टर्ड है तो क्या एंट्री बनेगी, नॉट रजिस्टर्ड है तो क्या एंट्री बनेगी ना? तो रजिस्टर्ड ना होने का लॉस क्या है कि आपकी परचेज की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, परचेजेस आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्ट आपको महंगी मिलेगी, हाँ टैक्स उसी में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं करेगी ना, और रजिस्टर्ड होता है तो उसमें आपको रिफंड मिलता है, इसलिए अलग से रिकॉर्ड करेंगे। लिख लें पहले, हाँ आ गया इसके बाद, हाँ जी लिखा हुआ तो ये है ना, कौन रजिस्टर्ड नहीं है, कौन है ये ट्रेडर, बायर है सेलर है, ये ट्रेडर कौन है, बायर है सप्लायर है, बायर की बात हो रही है। बी आंसर हो गया 158 का, 159। ये तो आसान है आपका, सेल्स और परचेज दीजिए दोनों को माइनस कर लेंगे आंसर आ जाएगा ना, ये भी आसान है, एंट्री बनानी है, इसका आंसर बताया 160, 160। टैक्स कितना बन रहा है, 30 बनेगा ना, राइट, तो पेबल आपको क्या है, रिटर्न गुड्स होता है, रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होती है, पेबल डेबिट, सेल्स टैक्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न, जी परचेज रिटर्न की एंट्री बनेगी ना, क्या होती है एंट्री, अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स क्रेडिट भी जाएगी।
सेल्स टैक्स क्रेडिट परचेज रिटर्न क्रेडिट बताएं 161 161 जल्दी से बताते हैं पेमेंट ऑफ कैश टू अकाउंट अकाउंट पेबल डेबिट होता है कैश क्रेडिट ना दोनों डिक्रीज होंगे रिड्यूस कैश बैलेंस रिड्यूस करंट लायबिलिटी रिड्यूस बी आंसर होगा लायबिलिटी और एसेट दोनों डिक्रीज होते हैं ना 162 गुड्स रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होगी अब रिटर्न आउटवर्ड आउटवर्ड की एंट्री क्या होगी क्रेडिट रिटर्न आउटवर्ड डेबिट अकाउंट पेबल आंसर सी आंसर आएगा क्रेडिट रिटर्न आउटवर्ड डेबिट अकाउंट पेबल अकाउंट पेबल डेबिट रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट सी अच्छा 163 सी ठीक है बाकी बताएं सी आंसर ठीक है सी आंसर हो जाएगा ये देखिए जब हम परचेज करते हैं तो एंट्री बनाते हैं परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट फिर पेमेंट के टाइम पर एंट्री बनेगी अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट और हमने चेक कैंसिल किया तो बैंक डेबिट हो जाएगा और गुड्स हमने रिटर्न कर दी तो रिटर्न आउटवर्ड्स तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट अच्छा ये बता दें डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़ लिया उसमें एमए में अच्छा इसका बता दें सीक्वेंस क्या बनेगा परचेज रिक्वेजिशन परचेज ऑर्डर डिलीवरी नोट जी सी आंसर ठीक है सी आंसर होगा क्या था एमसीक्यू में आया था अब ये वाला ऊपर वाला 165 165 पर्पस ऑफ परचेज इनवॉइस रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन परचेज टू पोर द सेल्स टैक्स टू परचेज रिटर्न दे वो रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ हां परचेज इनवॉइस की बात हो रही है ठीक है नॉट अ पर्पस सी सी लग रहा है कौन सा आंसर डी आंसर होगा ना इसमें क्या बात हो रही है परचेज रिटर्न की बात कर रहा है तो परचेज रिटर्न परचेज इनवॉइस से थोड़ी रिकॉर्ड कर रहा है वहां तो क्रेडिट नोट आता है ना परचेज रिटर्न तो क्रेडिट नोट को देख के रिकॉर्ड करते हैं परचेज इनवॉइस को देख के नहीं करता ना इस पे सेल्स टैक्स आपको मिलेगा परचेज इनवॉइस पे इस पे डेट भी तो मेंशन होती है ना कि आपने कितने दिन में पेमेंट करनी है और अमाउंट और टाइप ऑफ गुड्स मेंशन होता है डी डी आंसर होगा इसका परचेज रिटर्न डे बुक अच्छा इसका बता दें ये भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है परचेज ऑर्डर इशूड बाय वन कंपनी टू अनदर बोथ ऑफ द सब्सक्रिप्शन है परचेज ऑर्डर पे क्या नहीं होगा इसका क्या नहीं होना चाहिए
आंसर। अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो उसमें हम क्वांटिटी वगैरह मेंशन करते हैं ना, तो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स ऑर्डर रिकॉर्ड नहीं है। सेल्स टैक्स तो इनवॉइस पे रिकॉर्ड होता है, सेल्स टैक्स तो इनवॉइस बनाते हुए इनवॉइस पे आता है, परचेज ऑर्डर पे सेल्स टैक्स नहीं होता। आंसर क्या होगा? सेल्स टैक्स ऑन गुड्स ऑर्डर, जो गुड्स आपने ऑर्डर किया उस पर टैक्स कितना लगेगा वो तो आपको सप्लायर बताएगा, जब वो इनवॉइस देगा तब आपको पता चलेगा टैक्स कितना चार्ज हुआ है। अभी तो आसान है, परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट। अच्छा 168, 168 इनवॉइस पे लिखा हुआ है नेक्स्ट 30 days, इसका क्या मतलब होगा? 30 दिन में आपने पेमेंट करनी है, सही है, तो उसका मतलब है आपने 30 दिन में पेमेंट करनी है। क्या डी क्या है? डी, बाकी बताएं। एक आंसर आया डी, फोर जी आप लोग बताएं। वो नेट अमाउंट नहीं है, नेट 30 days है, वो तो दिन बता रहे, नेट 30 days है, 30 days में आपने पेमेंट कर दिया, वो नेट अमाउंट नहीं कह रहा, वो नेट ग्रॉस नहीं कह रहा। हाँ तो देखिए, जब हम पे करते हैं तो नेट अमाउंट पे करते हैं, ग्रॉस अमाउंट पे करते हैं, ग्रॉस पे करते हैं ना। याद रहेगा ग्रॉस ऑफ सेल्स टैक्स विद इन 30 days। तो 30 days कब से काउंट होंगे? जब आपको इनवॉइस मिलेगी ना, इनवॉइस गुड्स तो कभी भी मिल सकते हैं, जैसे इनवॉइस आएगी इनवॉइस की डेट से 30 days काउंट होंगे ना। डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस समय हमने क्वेश्चंस कर तो लिए, ये भी कर लेते हैं सर जल्दी से। 169, इसमें अकाउंट्स पेबल का डी अकाउंट बनेगा और उससे परचेजेस फाइंड करेंगे। अच्छा अकाउंट्स पेबल का डी अकाउंट बना ले, पेबल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा और पेमेंट भी डेबिट पर आएंगे ना, तो पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस को ऐड कर ले, ओपनिंग बैलेंस लेस कर, ये आ रहा है देखिए तो क्या रहे हैं। ए या सी? क्लोजिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस और पेमेंट को ऐड करें, ओपनिंग बैलेंस लेस कर दें, आंसर आ जाएगा। बनाते टी अकाउंट बना लेते हैं, क्या रहे हैं? सी, देख लेते चलें। 2660 पेबल अकाउंट बनेगा, पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ये तो क्लोजिंग है ना, ये ओपनिंग बैलेंस 2660। अच्छा इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऊपर दिया है 3528, और कैश रेडी। कैश पेमेंट डेबिट पर आएगी ना, यस सर, पेमेंट डेबिट पर आ जाएगी 11,000। 11,583, और परचेज कहेंगी क्रेडिट पर। डेबिट साइड का टोटल करें 15,111, टोटल हो गया। अब इसमें से ये डेबिट साइड यानी कि ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दें, 12,451, ये आंसर हो गया इसका 12,451, ऑप्शन सी।
सी आंसर आएगा तो ऑप्शन सी 169। क्लियर सी आंसर। नेक्स्ट, अच्छा द क्वेश्चन नंबर 170 आप लोग सॉल्व करें और जब तक आप अटेंडेंस ले लें। तो 170 सॉल्व करें। अच्छा ओपनिंग बैलेंस 14,000 550, क्लोजिंग बैलेंस 12,560। अच्छा पेमेंट आप कर रहे हैं, पेमेंट में से 85,000 में से ये 35,000 लेस हो जाएंगे ना, डिफरेंस निकालें कितना आ रहा है, 498,200। आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे 62,380। नीचे आंसर आ गया 62,380। अब ये माइनस कर दें इसमें से ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस माइनस करें कितना आ रहा है 8,300। तो अब देख लें ए आंसर है या क्या होगा। हाँ ए आंसर होगा, ठीक है ए। अच्छा सेम बैलेंस है, इसको छोड़ देते हैं 171। ठीक है 172 सॉल्व करें। हाँ 172। कौन बनाना है इसको, आप घर जाके पढ़ नहीं रहे मुझे लग रहा है। इस तरह के क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किए थे हमने, अभी भी कर लिए हैं, फिर वही आप लोग अटक रहे हैं, क्या चक्कर है। 72 करना था ना, अपने वन का आंसर बता रहे हैं, टू करना था, वन तो हो जाएगा। अच्छा इसमें ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है ना, ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 4,286, 4,286। अच्छा परचेज हमने की है 25,640 की, 25,640। इसका टैक्स कैलकुलेट करें 4,487। ठीक है ऐड कर लें दोनों को, टोटल 30,127 ना, 30,127। ये ग्रॉस आ गया, यहाँ पे पेबल को हम क्रेडिट करेंगे ग्रॉस अमाउंट से ना, 30,127 राइट। और पेमेंट कितनी हो रही है 29,660। अब डेबिट साइड का टोटल करें 33,946। अब इसमें से ये परचेजेस माइनस कर दें तो 3,819, 3,819 ऑप्शन बी। कॉपी कर लें, ओपनिंग बैलेंस आ गया। पीडीएफ किसकी, सॉल्यूशन। हाँ अब तो इसकी वो आ जाएगी ना रिकॉर्डिंग, उसका सब आ जाएगा, अब आ जाएगा। हाँ अब मसला नहीं होगा। लास्ट वाली रिकॉर्डिंग चेक की थी आप लोगों ने, उसमें कोई प्रॉब्लम, सही थी बिल्कुल। Which of the following would not appear in journal ledger? Either.
हाँ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता ना, ठीक है, तो आंसर होगा डी। बाकी सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, ये सिर्फ इनवॉइस पर शो होता है, इसकी कोई एंट्री या टी अकाउंट नहीं बनता। अच्छा अब ये 174, व्हाट इज द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड अ डिस्काउंट रिसीव, ये डे बुक्स में लिखवाई थी मैंने, कैश बुक में बताएंगे ना, कैश बुक का डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी, डेबिट। तो डी आंसर होगा, अकाउंट्स पेबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। डी आंसर, अकाउंट्स डिस्काउंट क्रेडिट वो रिकॉर्ड नहीं होता, अब वो सेल्स में डेबिट हो जाता है। अच्छा डी आंसर क्लियर है, डिस्काउंट रिसीव होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगी, डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट। डी आंसर। सब ये 175, अच्छा इसकी एंट्री बनानी है, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन डज नॉट नॉर्मली टेक एडवांटेज ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट, लेकिन इस बार उसने अर्ली पेमेंट कर दी है, उसको हम डिस्काउंट देंगे, तो अब उसकी एंट्री क्या बनेगी? बी नहीं आएगा, अब डिस्काउंट रिसीव थोड़ी है, अपनी बात किसी क्या रच दी। प्रीमियर कंपनीज अकाउंट, प्रीमियम कौन है? प्रीमियम सोल्ड कर रहा है, सप्लायर है, बेचा है, तो सप्लायर की एंट्री बनाएगा, तो वो कैश डेबिट होगा, ठीक। अच्छा से कैश डेबिट और सेल्स डेबिट होंगी, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, तो उसने सेल्स की जगह जहाँ रेवेन्यू का वर्ड यूज किया हुआ है, तो रेवेन्यू का मतलब यहाँ पर सेल्स, कैश डेबिट होगा, सेल्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सी आंसर। एक ही बात है ना, सेल्स इनकम होती है ना, सेल्स इनकम को ही कहते हैं, तो सेल्स या रेवेन्यू, इनकम कम हो गई ना, डिस्काउंट दिया हमने उसको, 1,000 रुपए की गुड सेल की थी, उसने 800 पे किए, 200 का डिस्काउंट दे दिया, तो इनकम कितनी रह गई? 800 रह जाएगी डिक्रीज, तो डेबिट, इसलिए डेबिट मारे ना, डिस्काउंट देंगे तो इनकम आपकी डिक्रीज होगी, डेबिट का रिकॉर्ड। ये सी आंसर क्लियर है सबको? ठीक है, ये मैंने एंट्रीज लिखवाई भी है, कैश बुक जब बनाई तो उस वक्त बताई थी ना, अगर अभी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, दोबारा लिखवा दूंगा। तो इसमें अब क्या है, सोल्ड गुड्स इतना इतना इतना। अच्छा अब ये उसका बता रहा है, तो बायर की एंट्री बतानी, क्या बनाएगा ना, वही क्वेश्चन है, अब इसमें क्या होगा, हाँ अब बायर की एंट्री बनाएगा, तो वो डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड करेगा, तो अब एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है 177, इसमें कोड दिया है ना, अच्छा एक टॉपिक है छोटा सा पढ़ेंगे, एमए में पढ़ा आप लोगों ने कोडिंग, कोडिंग पढ़ लिया है, आप पढ़ लिया नंबर, ठीक है, तो क्योंकि एमए में भी है, FA1 में भी, दोनों में एक ही है, हाँ कुछ टॉपिक कॉमन है, दो टॉपिक, ये कोडिंग का और एक वो डॉक्यूमेंट का, बाकी सब अलग। अच्छा अब इसका आंसर बताएं क्या बनेगा फिर, अब इसमें क्या होगा, वो अकाउंट नेम की जगह कोड नंबर आ जाएगा ना, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ना अकाउंट रिसीवेबल सेल्स परचेज जो भी है, अब उसकी जगह क्या होंगे, कोड नंबर आ जाएंगे, बस सप्लायर है, परचेज गुड्स है, और कॉस्टिंग कितना, प्लस सेल्स टैक्स कितना है, फॉर्म एंड वर्ड में कोड का कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा इनकी बनेगी कैसे, सेल की परचेज टाइम परचेज से एंट्री बनानी है आपको, तो परचेजेस क्या होंगे डेबिट, उसकी जगह उसका कोड नंबर आ जाएगा 4000, तो डेबिट होगा 4000, सी या डी में से आएगा। अच्छा इसके बाद परचेज डेबिट हो गए, सेल्स टैक्स डेबिट होगा, इसका कोड आ गया 1034 डेबिट, ठीक है,
और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, और उसका कोड कितना है, पेबल का ही है 2016, ये सी आंसर हो जाएगा। परचेजेस डेबिट, सेल्स टैक्स डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, तो नाम की जगह कोड आ जाएगा जी। परचेज एंट्री क्या होती है, पहले देखते हैं, परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट और सेल्स टैक्स डेबिट होता है ना, परचेज आता डेबिट। अब परचेज डेबिट हो रही है तो उसका कोड नंबर क्या है, परचेज के आगे लिखा हुआ है ना, तो परचेजेस डेबिट इसके जगह कोड आ गया, उसका नाम को हमने नंबर से रिप्लेस किया। सेल्स टैक्स डेबिट होगा, कोड क्या है 1034, सेल्स टैक्स डेबिट हो गया। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा, उसका कोड क्या है, पेबल के जगह उसका कोड नंबर, यानी कि हमने अकाउंट्स नेम को कोड नंबर से रिप्लेस किया। ये एंट्री है परचेजेस डेबिट, सेल्स टैक्स डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। फिर बॉक्स है तो 4,000 हाँ वो भी इसी तरह का था, बता दूंगा मुझे आपको, वो भी करवा दूंगा। ठीक है। अच्छा इसमें ये दिया हुआ नहीं, एज्ड पेबल एनालिसिस, ये हम पढ़ेंगे अभी बाद में, ठीक है, एजिंग एनालिसिस हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा ये छोड़ते हैं अभी, इसके बाद ये आसान है, जाने देते हैं। अच्छा इसे बोल एंट्रीज पूछ रहे हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होंगे ये तो आप लोग कर लेंगे, बाकी सारे अच्छा ये बता 185, 185 जी। अच्छा दोनों डिस्काउंट माइनस होंगे क्योंकि अर्ली पे कर रहे हैं ना, तो सेल्स टैक्स नहीं लगेगा ना, डिस्काउंट की बात हो रही है तो टैक्स नहीं लगाएंगे। देखिए 800 आपका अमाउंट है, 800 पहले कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट 5%, कितना बन रहे हैं 40, तो तो बचे कितने आपके 760। अब इस पे ट्रेड सेटलमेंट डिस्काउंट कितना मिल रहे हैं 3.5%, तो 670 का 3.5%, 26.6 माइनस करें 733.4, ये आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए आंसर है। अच्छा एक चीज तो आज याद रखें, जब भी दो डिस्काउंट गिवन होंगे तो आपने वन बाय वन माइनस करना है, दोनों को एक साथ माइनस नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 800 में से डायरेक्ट 8.5% माइनस कर दें तो आंसर चेंज हो जाएगा। जब भी दो डिस्काउंट होंगे वन बाय वन माइनस करेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि दोनों को ऐड कर लें, 8.5 माइनस कर दें तो आंसर चेंज हो जाएगा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन 186, कैश परचेज कैश बुक में रिकॉर्ड होती है तो आंसर कैश पेमेंट बुक आ जाए, डी आंसर। ठीक है ओके। अच्छा इसके बाद ही